अगर कोई विदेशी यात्री लगभग 200 साल पहले हमारे देहातों को देखता तो यही समझता कि जीवन में कहीं कोई असाधारण बात नहीं है, हर तरफ शांति है। लेकिन यह शांति दिखाऊ थी। हिंदुस्तान में पश्चिम के शक्तिशाली व्यापारी घर कर रहे थे, इनमें अंग्रेज भी शामिल थे। उन्होंने कुछ खास सुविधाएं सर थॉमस रो के द्वारा बादशाह जहांगीर से प्राप्त की। अंग्रेजों की जड़ें जमने लगी। व्यापार करते करते उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में पांव जमाए और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में कई इलाकों पर अधिकार कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने उनकी जड़ों को और मजबूत किया। 1757 में कंपनी की सेनाएं लेकर क्लाइव ने प्लासी का युद्ध जीता और शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की बुनियाद डाली। लेकिन भारत में अंग्रेजी अमलदारी का रास्ता कांटों से भरा था। प्लासी युद्ध के बाद मराठों और सिखों को दबाने में बरसों लगे। जहां अंग्रेजों की ताकत बहुत मजबूत थी, वहां भी नए करों और भारतीय परंपराओं और रिवाजों को ठेस पहुंचाने वाली आज्ञाओं के खिलाफ विद्रोह होने लगे। दक्षिण में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ता रहा। जब वो 1799 में किले की रक्षा करते करते मारा गया, तब कहीं लड़ाई रुकी। बेलूर में 1806 में सिपाहियों ने अपमानजनक नियमों के खिलाफ बगावत की। यूरोपियन फौजों ने उन्हें सख्ती से दबा दिया। 3 साल बाद त्रावणकोर में वेलुथंपी दलवा ने लोगों को जालिमों से लोहा लेने के लिए ललकारा। वो आखिरी दम तक अंग्रेजों से लड़ता रहा मनाडी में। बाद में उसके रिश्तेदारों को मृत्युदंड दिया गया। सन 1857 में अंग्रेजी सत्ता को पहली बार गंभीर चुनौती दी गई। 10 मई का ऐतिहासिक दिन था। मेरठ में आग फड़क उठी। शस्त्रागार पर भारतीय सिपाहियों ने कब्जा कर लिया। जिस विदेशी हुकूमत के कारण देश में असंतोष फैला हुआ था, उसके विरुद्ध इस तरह संघर्ष की शुरुआत हुई। अधिकांश सैनिक 40 मील दूर दिल्ली की ओर चल पड़े, हिंदुस्तान का बादशाह जो वहां था। सुबह होते होते उन्होंने मुगलों की राजधानी में प्रवेश किया। नगर में उत्तेजना फैल गई। सबकी नजरें जमी थी बहादुर शाह और बेगम जीनत महल पर, जिनकी सत्ता अंग्रेजों ने हथिया ली थी। महल की खिड़की के नीचे हंगामा मचा था। मेरठ के सिपाही चाहते थे कि विदेशियों के विरुद्ध संघर्ष की बागडोर बहादुर शाह संभाले। शहनशाह दुविधा में थे। इस बीच सिपाहियों ने शहर की चार दीवारी पर मोर्चे लगा दिए। दिल्ली की अंग्रेज सेना मुकाबला न कर सकी। विप्लव की खबर जगह जगह तार से दी गई। उत्तर और पश्चिम में अंग्रेजों ने अपनी फौज को अंबाला में जमा होने का हुक्म दिया। बड़ी तेजी से दिल्ली पर चढ़ाई की तैयारी होने लगी। दिल्ली से उत्तर की ओर अंग्रेजों ने अपने हमले का अड्डा बनाया, परंतु सितंबर में कुमुक आने पर ही विद्रोहियों के मोर्चों पर गोलाबारी शुरू हुई। शहर की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगीं। मोर्चा टूट गया। पूरे 1 सप्ताह तक घमासान लड़ाई हुई। इक्कीस सितंबर को तोपों ने ऐलान किया कि दिल्ली अंग्रेजों के हाथ में आ गई। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह महल से 4 मील दूर गिरफ्तार कर लिए गए। संघर्ष की आग देश के और भागों में भी भड़क चुकी थी। अवध में
फिर से नवाबी शासन कायम करने का संघर्ष छिड़ा। बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला शाह इसकी अगुवा थी। लखनऊ ने विरोध का भयंकर रूप देखा। नगर के कई स्थान आज भी उस 100 बरस पुरानी लड़ाई की साक्षी दे रहे हैं। रेजिडेंसी पर घेरा पड़ा। 30 मई को जब सिपाहियों ने हथियार उठाए, अंग्रेजों ने रेजिडेंसी में शरण ली। कुछ ही दिनों में बाकी देश से उनका संबंध कोई नहीं रहा। घेरा 25 सितंबर तक पड़ा रहा, फिर बाहर से मदद पहुंची। तब कोई 2 महीने बाद रेजिडेंसी खाली हुई। अवध में विप्लव अब उतार पर था। बिहार में भी आग धधक रही थी। इसके कारण अंग्रेजों को लखनऊ में मदद भेजने में बहुत मुश्किल हुई। इसके नेता थे वीर राजपूत कुंवर सिंह। उनका मकान और कचहरी आज भी जगदीशपुर में खड़े हैं। 70 वर्ष की उम्र में भी कुंवर सिंह ने कमाल किया और कई मैदान जीते। मैदान में ही घायल होकर उन्होंने वीर गति पाई। कानपुर संघर्ष से अछूता कैसे रहता? उसने कई बर्बरताएं भी देखी जिनकी कटुता वर्षों तक बनी रही। न जाने कितने इंसान गंगा की भेंट चढ़ाए गए। नदी से 1 मील दूर कानपुर के अंग्रेजों ने अपना मोर्चा बनाया। 5 जून को उन पर धावा हुआ। 3 सप्ताह तक उन्होंने लोहा लिया, फिर हथियार डाल दिए। नाना साहब अंतिम पेशवा के दत्तक पुत्र सेनापति थे। अमर सेनानी तात्या टोपे उनके साथ थे। कानपुर के अलावा और भी कई मैदानों में उन्होंने अपने जौहर दिखाए। गोरिल्ला युद्ध में तात्या टोपे का कोई सानी नहीं था। वे कानपुर से मध्य भारत में झांसी तक पहुंचे। आजादी की इस लड़ाई का एक सुनहरा अध्याय यहां लिखा गया। किले को तहस नहस करने का फैसला करके शक्तिशाली अंग्रेज सेना आगे बढ़ी। 22 मार्च 1858 को घेराबंदी शुरू हुई। रानी लक्ष्मीबाई दबने वाली न थी। उन्होंने आखिरी दम तक लड़ने की ठानी। तब किसी मालूम था कि वीर नारी युग युग तक भारतीयों को आजादी के लिए मर मिटने की प्रेरणा देती रहेगी। झांसी का पतन हो गया, लेकिन रानी बच निकली और लड़ती रही। फिर काल पी गया। लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची डगमगाते हुए नरेशों और उनके अनुयायियों का संगठन करने के लिए, लेकिन वे हारती ही गईं और अंत में वीरों की मौत मरकर अमर हो गईं। ये आखिरी बार था। अंग्रेजों ने संघर्ष को कुचल दिया। इस स्वतंत्रता संग्राम की आग सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं भड़की। दूसरे स्थानों की घटनाओं में जुलाई 1857 का हैदराबाद में रोहिल्ला फौजों का विद्रोह जबरदस्त था। हजारों नागरिकों ने भी इसमें साथ दिया, लेकिन यहां के खानदानी लोगों की कमजोरी से यह विद्रोह ठंडा पड़ गया। अंग्रेजी सत्ता से यह हमारी पहली टक्कर थी। सारे देश में इसकी आग नहीं भड़की, लेकिन इसने वो दीप जलाया जिसने भारत की भावी संतानों को आजादी की राह दिखाई। साम्राज्यवाद ने अपना शिकंजा कसा। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा से भारत पर ब्रिटेन की सरकार का शासन हो गया। अब शासकों ने नए विश्वविद्यालय खोले ताकि भारतीयों के दिल पर नहीं तो दिमाग पर ही उनका अधिकार हो जाए। परंतु पश्चिमी विद्वानों के विचार और आदर्श आजादी के रंग में रंगे हुए थे। उनसे हमारी आजादी की आग को ईंधन मिला। मैकॉले ने पश्चिमी शिक्षा देने का सुझाव रखा था।
राजा राममोहन राय जैसे कई प्रमुख भारतीय भी इसके समर्थक थे, लेकिन उद्देश्य अलग थे। समाज सुधारकों ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सभी जगह अपनी आवाज बुलंद की। भारतीय समाज की बुराइयां दूर करो, शिक्षा के द्वारा लोगों को जगाओ, पश्चिम के गुणों को अपनाओ, बुराइयों को त्यागो, ये पुकार थी उस राष्ट्र की जिसकी राजनीतिक चेतना विदेशी सत्ता के बंधन तोड़ने को छटपटा रही थी। परिवर्तन का युग था। भारत में सड़कें बन रही थीं, रेलें खुल रही थीं। इनके द्वारा इस विशाल देश के लोग आपस में एक दूसरे के निकट आए। राष्ट्रीय एकता की भावना ने नया विस्तार पाया। विज्ञान और उद्योगों ने एकता को बल दिया। चेतना के इस वातावरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में कायम हुई। एक प्रगतिशील एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को इसका श्रेय है। अनेक महान व्यक्ति उनके साथ थे। डब्ल्यू सी बैनर्जी, जिन्होंने उद्घाटन भाषण में जनतंत्रवादी सरकार की मांग की। दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने भावी नीतियां तय करने में बहुत काम किया। और फिरोज शाह मेहता, ये सब थी नई राजनीतिक हलचल की अगुवा। एक नई आवाज उठी बाल गंगाधर तिलक की, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। जब तक ये भावना मेरे अंतर में है, मैं बूढ़ा नहीं हूंगा। इस भावना को हथियार काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी ठंडा नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। नए नाम चमके, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने बंगाल की आवाज बुलंद की, राजनीतिक चेतना जगाई, गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापक, सुब्रमण्य अय्यर, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापकों में से थे, और दूसरे बहुत से भारत माँ के लाल, इन्होंने संघर्ष का एक युग पूरा किया। 1914 में यूरोप में लड़ाई की लपटें उठी। एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशवादी मालिक उनमें झुलसने लगे। लड़ाई के हाहाकार के बीच दुनिया ने मोहनदास करमचंद गांधी का नाम सुना। वे दक्षिण अफ्रीका में जातीय समानता का जबरदस्त आंदोलन शुरू करके 1915 में भारत लौटे। फिर होम रूल आंदोलन का जमाना आया। 1919 में रॉलेट एक्ट बना, दमन का चक्र चला। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भारत की आत्मा तड़प उठी। निहत्ती भीड़ को बेदर्दी के साथ गोलियों से भून दिया गया। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ। शस्त्रों के बल पर राज करने वाली सत्ता के विरुद्ध अहिंसा का मोर्चा बंधा। 1921 के उस आंदोलन की मिसाल इतिहास में नहीं है। हिंदू और मुसलमान एक हो गए। भारत की आजादी के दिलेर दीवाने मैदान में आए। शौकत अली, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुब्रमण्य भारती, चिदंबरम पिल्लई, रविंद्रनाथ ठाकुर, डॉक्टर अंसारी, श्रीनिवास अयंगार, हकीम अजमल खां, विजय राघवाचारी, कस्तूरी रंगा अयंगार, सरोजनी नायडू, पट्टाभि सीतारामैया, की प्रकाशम, सत्यमूर्ति वगैरह वगैरह। चरखा स्वराज का प्रतीक बना। चरखे ने आर्थिक स्वतंत्रता का संदेश दिया, विदेशी शोषण की जड़ें हिला दी। आजादी की लड़ाई के लिए चरखे ने एक हथियार थमे दिया, स्वदेशी आंदोलन। 1929 में लाहौर में रावी के किनारे कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली, अब हम पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करके ही रहेंगे। भारत की जनता ने फिर साम्राज्यवादी सत्ता से टक्कर ली। नमक कर के विरुद्ध दांडी यात्रा का महान अध्याय शुरू हुआ। अहिंसा के पुजारियों ने दंडों की मार छेली। गांधी जी ने इस तरह जुल्म और जालिम से डरने की भावना हमारे दिल से हमेशा के लिए निकाल दी। सामूहिक हड़तालों और विरोध से अंग्रेजी राज की नींव खिलने लगी। तब 1931 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। वो लंगोटी वाला गांधी, जिसे उसके विरोधी नंगा फकीर कहते थे, भारत से रवाना हुआ। मुश्किलों को वे जानते थे,
फिर भी उन्हें विश्वास था कि ब्रिटेन के नेता अपने पुराने तौर तरीके बदलने को राजी हो जाएंगे, परंतु लंदन में उनका विश्वास चकनाचूर हो गया। मुख्य प्रश्न था भारतीयों को सत्ता सौंपने का, लेकिन सम्मेलन ने पहले उठाई अल्पसंख्यकों की समस्या। यह एक चाल थी भारतीय जनता में फूट डालने की चाल। गांधी जी खाली हाथ स्वदेश लौटे, परिस्थिति खतरनाक थी, भावनाएं जोर पकड़ रही थीं। सम्मेलन का ब्यौरा देते हुए गांधी जी ने कहा कि वे सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन संघर्ष के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने जनता का आह्वान किया कि वो अहिंसा का शस्त्र लेकर अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो जाए। देश ने कोई फैसला भी नहीं किया था कि अंग्रेजी सत्ता ने वार कर दिया। आजादी के आंदोलन को कुचलने की जबरदस्त कार्यवाही शुरू हुई। संघर्ष का असर पड़ा। 1937 में कुछ सुधार हुए। कांग्रेस ने चुनाव जीतकर लोकप्रिय सरकारें बनाई। बंबई, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा और उत्तर पश्चिम सीमांत में। दो वर्ष में दूसरा महायुद्ध छिड़ गया। ब्रिटेन ने मजबूर होकर 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए भेजा। हिंदुस्तान को औपनिवेशिक राज्य बनाने का वादा वे अपने साथ लाए थे। गांधी जी और कांग्रेस सहायता करने को तैयार थे, लेकिन तभी जबकि भारत स्वतंत्र कर दिया जाए, ब्रिटेन से उसका नाता बराबरी का हो। ब्रिटेन के प्रस्तावों में कई शर्तें लगी थीं। भारतीय नेता चाहते थे कि फासिज्म के विरुद्ध मदद करें। उन्होंने पूरे अधिकार मांगे, मगर अधिकार नहीं दिए गए। भारतीय जनता को अपने आंदोलन के लिए और बल मिला। 1942 में बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। भारतीयों की आकांक्षाओं को दबाना अब असंभव था। घोषणा हुई कि भारत को अब और अभी स्वतंत्र किया जाए, तभी वो फासिस्ट विरोधी दल का वास्तव में साथ दे सकता है। हर नेता ने यही बात दोहराई। गांधी जी ने सारी स्थिति का निचोड़ दो शब्दों में रख दिया, भारत छोड़ो। अगर अंग्रेज न माने तो भारत की जनता के लिए एक ही रास्ता है, करो या मरो। जैसे ही यह आवाज उठी, देश भर में गिरफ्तारियां होने लगी। उधर सुभाष चंद्र बोस ने आजादी आंदोलन के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में आजाद हिंद फौज का संगठन किया। महायुद्ध खत्म हुआ। ब्रिटेन में मजदूर दल की सरकार बनी। मंत्रियों का एक शिष्टमंडल भारत को सत्ता सौंपने का इंतजाम करने आया। मंजिल सामने दिखाई देने लगी। देश के दो टुकड़े हुए, लेकिन भारत आखिर आजाद हुआ। जनता ने, जनता के नेताओं ने देश की बागडोर संभाली। ये दृश्य कोई कैसे भूलेगा? पुराने दुख दर्द आजादी की खुशी में घुल गए। दिल्ली ने कई साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। एक और साम्राज्य खत्म हुआ। इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हुआ। विदेशी सैनिक विदा हुए। 300 वर्षों की कहानी इस एक क्षण में गुंथी हुई थी। जो हमारे मेहमान बनकर आए, वे हमारे मालिक बन बैठे। हमने उनसे मोर्चा लिया और अपना मित्र बनाकर उन्हें विदा किया। ये ब्रिटेन की सरकार की राजनीतिक सूझबूझ का परिणाम था। बाद में स्वतंत्रता संग्राम के नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनाए गए। भारत की संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत का संविधान स्वीकार किया। इसमें हमारी सर्वोच्च आकांक्षाएं निहित हैं। और भारत में गणराज्य की घोषणा होते ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। हमारे देश में
नए युग का सुनहरा प्रभात आया। लाल किले पर हमारा प्यारा तिरंगा चढ़ाया गया। अपनी सिद्धि की इस खड़ी में हमें वे जाने अनजाने अमर सेनानी याद आते हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया और यह सिखाया कि गुलामी की जिंदगी जीने से मर जाना बेहतर है।